इस वक्त हम अमनारी में हैं। इसी गांव में दुर्घटना घटी है जहां लालटेन में तेल डालने के दौरान विस्फोट हुआ है और लगभग इस गांव के आसपास भी कई ऐसे गांव हैं जहां ये घटना घटी है। इस गांव में बात की जाए तो करीब 4 लोग जो है जो झुलसे हैं, 2 घरों में घटना घटी। यहां के मुखिया हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा और क्या समझते हैं, आखिर क्या कारण है इसके। घर वालों 15 तारीख को शाम में लगभग 6:30 बजे के आसपास सविता देवी नाम की महिला इस घर में थी और वो लाइट जाने के कारण वो लैंप में तेल डाल रही थी। उसके पास ही 2 उनके बच्चे पवन कुमार, आयुष कुमार, जिसका उम्र 15 साल और 11 साल क्रमशः है, वो वहाँ पे खड़ा थे। लैंप में तेल डालने के क्रम में धमाके के साथ विस्फोट होता है जिसमें लैंप और जो जार था वो दोनों ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसमें जो महिला है सविता देवी वो 70% झुलस गई है और उनके 2 बच्चे जो है वो 60% झुलस गए हैं। गांव के लोग उसको सहयोग करके उसको सदर अस्पताल HMCS में पहुंचाए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उनको रिम्स रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनकी इलाज चल रही है। अगर बात की जाए आपके गांव की तो आपके गांव में कुल कितनी घटना हुई है? यहां पर 2 घटनाएं हुई, एक उसी समय 15 मिनट के बाद एक परमेश्वर महतो यहां पर उनकी पुत्री के साथ भी सेम घटना हुई है। वो ढिबरी में तेल डाल रही थी, उनका भी ढिबरी और जार जो था विस्फोट कर जाता है और वो भी झूल जाती है, जिसका HMCS में उसका भी इलाज चल रही है। अभी बताया जा रहा है कि हजारीबाग आपके गांव के आसपास भी कई ऐसे गांव में, आसपास के गांव में भी चुटियालों में 4 घटनाएं हुई हैं विभिन्न दिनों में। उसमें से एक सुषमा कुमारी नाम की बच्ची जो उसके मृत्यु हो गई है और एक अपुष्ट सूचना आ रही है कि रोला और चिलवाल में भी दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी है। आखिर यहाँ पर डीलर भी हैं जिनके यहाँ से क्रोसिन सप्लाई किया गया, तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्या लगता है कैसे कैसे घटना घट गई। घटना घटी तेल ही से घटा है, वो लैंप में दिया थी तेल डाल रही थी, उसी में से पहले भदभदा रहा था वो लालटेन, उसी में से वो बुता करके नहीं डाली, जलते हुए में तेल डालने की कोशिश की और गीलन से ही डालने की कोशिश की और गीलन में पकड़ लिया, भदभदाने के बाद सीधे आगे पहुंच गया गीलन में, विस्फोट हो गया, साथ ही झुलस गई। अगर बात किया जाए तेल का, तेल लाया कहाँ से गया था, कितने लोगों को आपने तेल बांटा है? हम बांटे हैं जितना करधारी मेरा पास 350 करधारी है, 350 एकड़ लीटर करके तेल हम वितरण किए हैं हर व्यक्ति का। तो कहीं ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है, लोगों से अपील किया है कि आप यूज मत करें काम? हाँ, वो सब हम कल ही खबर कर दिए हैं, BDO साहब आए थे, MO भी आए थे, जो भी तेल था मेरे पास से उन्हें सील कर दिया गया है और बाकी जो है सो तेल जांच करने के लिए 3 लीटर तेल साहब ले गए हैं जांच में। ये अमनारी गांव में यहाँ के लोगों में काफ़ी भय का वातावरण में देखने को मिल रहा है और यह जो तेल है उस तेल को सीज कर लिया गया है, जाँच किया जा रहा है कि आखिर कारण क्या है, लेकिन इस गाँव में भय का वातावरण देखने को मिल रहा है। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।